हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अचार गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा गमला एक मिट्टी का टूट गया था तो उसे फेंकने का मन हुआ नहीं। सोचा उसे कुछ अच्छा सा डेकोरेट करके कुछ तैयार किए जाएँ, कुछ छोटे छोटे इसमें पौधे लगा दिए जाएँ, जिससे कि जिन पौधों में पानी कम डलता हो वो हम लगा सकते हैं और टूटे हुए गमले का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से मैंने टूटी हुई गमले का यूज किया है और कैसे वो बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा गमला, देखो इस तरीके से ये टूट गया था। मैंने फिर इस पर ये कलर किया है। अब हम इसमें इस तरीके से ये यहाँ डाल देते हैं। फिर इसमें हम नॉर्मल मिट्टी जो हर गमलों में लगाई जाती है डालते हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने बर्मी कंपोस्ट ली है और गार्डन सॉइल। ये इस तरीके से हमने इसमें ये डाल दिए हैं। हाँ, थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला। अब ये इस तरीके से इसको हम यहाँ लगाते हैं। अब हम इसमें ये स्नेक प्लांट है, मैंने ये है ना पानी में लगा रखा था। अब इसके देखो ये कुछ जड़ें आपको दिख रही हैं, पहले इसमें नहीं थी। पानी में डालने के बाद ये इसमें रूट्स आने लग गई हैं। अब रूट्स आने लगे हैं तो अब इसे हम मिट्टी में लगा देते हैं। ये है मनी प्लांट, ये मनी प्लांट था मेरे पास। इसको भी हम यहाँ लगा देते हैं तो देखो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसमें है इस तरीके से इनको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये है एलोवेरा भी है मेरे पास। इस तरीके से छोटे छोटे एलोवेरा बहुत रखे हुए हैं इसको भी, क्योंकि इसमें पानी की भी कम जरूरत रहती है। और एलोवेरा तो घर में भी वैसे बहुत यूज होता है। इसको भी हम यहाँ ये हमारा एलोवेरा लग गया। एलोवेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया। एक ये छोटा है इसको भी हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं जिससे कि ये सब फुल हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास ये शंख था, इसको डेकोरेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक छोटे बुद्धा जी हैं, इनको भी यहाँ लगा देते हैं।
इस तरीके से ये छोटे छोटे स्टोन हम इसमें डाल देते हैं। अब ये देखो, एक टूटा हुआ गमला था, इसमें हमने स्नेक प्लांट भी लगा दिया है, एलोवेरा भी लगा दिया है, मनी प्लांट भी लगा दिया है और कुछ डेकोरेट आइटम जैसे शंख हुआ ये सब लगा के ये टूटा हुआ गमला कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप भी यूज करो टूटी हुई चीज़ को, बेकार चीज़ का यूज करके कुछ बना करके, बहुत ही सुंदर लगता है जब हम अपने घर में डेकोरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो जो मैंने बेकार टूटी हुई चीज़ का जो बनाया है? अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि कैसा लगा, और आपके पास इस तरीके से कोई गमला टूट जाए तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताना। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। ओके, बाय बाय।